तो एक और बड़ा खुलासा हुआ है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में। एबीपी न्यूज पर एक और बहुत बड़ा खुलासा। सूत्रों के अनुसार पंजाब पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर केकड़ा ने कई राज खोले हैं। मूसेवाला की रेकी की डील सिर्फ 15,000 रुपए में हुई थी। ये बड़े अपडेट और बड़े खुलासे आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर केकड़ा कई बार रेकी करने के लिए गया था। केकड़ा की 13 बार गैंगस्टर गोल्डी बराड से मुलाकात बात हुई थी। हम आपको बता दें कि केकड़ा ही वो शख्स था जिसने गोल्डी बराड को ये जानकारी दी थी कि मूसेवाला के घर से वो निकल गया है और उसके पास ना तो सिक्योरिटी है और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी है। केकड़ा 11 जून तक पुलिस रिमांड पर है। पुलिस के सूत्रों की माने तो केकड़ा ने दावा किया है कि उसे नहीं मालूम था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। ये पता चल रहा है कि केकड़ा ने पहले मुलाकात की, रैकी की, बताया, पूरी जानकारी दी कि किस तरह से मूसेवाला घर से बाहर निकल रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला दिन नहीं था जब केकड़ा वहां पर रैकी करने के लिए आया था। इससे पहले भी केकड़ा जो है एक दो बार रैकी करने के लिए आ चुका है, लेकिन वो दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उस दिन केकड़ा ने जब आगे गोल्डी बरार को ये जानकारी दी कि सिद्धू मूसेवाला निकल गए हैं और उनके साथ सिर्फ 2 लोग हैं और ना ही कोई सिक्योरिटी है और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हैं, ये बात केकड़ा ने सीधा गोल्डी बरार को दी। गोल्डी बरार कनाडा में बैठा हुआ था और केकड़ा अभी पुलिस को ये कह रहा है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस उसकी बातों को सच मानकर नहीं चल रही है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस को बरगला रहा है, वो पुलिस से झूठ बोल रहा है। गोल्डी बरार ने आगे फिर इंस्ट्रक्शन शूटर्स को दी थी, क्योंकि शूटर्स वहीं घर के पास मौजूद थे और उन शूटर्स ने फिर सिद्धू मूसेवाला का पीछा करना शुरू किया। लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी तक एक भी शूटर पुलिस के पास नहीं आ पाया है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। अभी तक जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं इन 8 लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या होने वाली है। ये बहुत छोटे मोहरे थे, अभी तक इंटरोगेशन में ये निकल कर के आ रहा है। ये जो 8 लोग थे, इन्होंने सिर्फ लॉजिस्टिक का जो था काम किया, किसी ने गाड़ी प्रोवाइड की, किसी ने किसी को अपने घर पर ठहराया, लेकिन इनमें 8 लोगों को किसी को भी जानकारी नहीं थी कि सिद्धू मूसेवाला की जो है हत्या होने वाली है। सिर्फ गोल्डी बरार जानता था कि उसकी हत्या करनी है और गोल्डी बरार ही कनाडा में बैठकर शूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि किस तरीके से आगे वारदात को अंजाम देना है। तो फिलहाल केकड़ा से पूछताछ अभी तक पुलिस की जारी है। 11 तारीख यानी कि कल केकड़ा को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस की यही कोशिश है कि एक बार और उसको रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि वो जो बता रहा है पुलिस उसको अभी सच मानकर नहीं चल रही है। बेहद अहम है ये खुलासे, बहुत शुक्रिया मनोज, आपके पास लौटेंगे जब ज्यादा जानकारी मिल जाएगी केकड़ा की इंटरोगेशन से जुड़ी हुई। सिटी जानिए कोरिया सिटी। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।